सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ इनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड वेलकम टू माय TLC 2018 रिजल्ट प्रेडिक्शन वीडियो। जैसा कि साल 2018 का लास्ट मंथ है और WWE का बड़ा PPV 3 दिन बाद होगा, जो कि 16 दिसंबर 2018 को होना है। इस PPV के लिए अभी तक काफी मैचेस सामने आ चुके हैं, वहीं इस बार काफी सारे मैचेस में चेयर, लैडर और टेबल मैच भी WWE ने बुक करे हैं, तो फैंस काफी एक्साइटेड होंगे इस PPV के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे TLC PPV के रिजल्ट प्रेडिक्शन की, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बैल बजा के। TLC PPV में टोटल 12 मैचेस बुक हुए हैं, वहीं इस वीडियो में हम उन्हीं मैचेस के रिजल्ट की बात करेंगे जो कि फाइनली WWE की साइट से बुक हुए हैं। TLC PPV में 2 मैचेस किक ऑफ शो में भी हो सकते हैं, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट मैच हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर वर्सेस बड़ी मर्फी के बीच क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए दिखेगा और ये मैच किक ऑफ शो में हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं और पिछले काफी टाइम से ये दोनों ही इसी टाइटल पिक्चर में हमें देखने को मिल रहे हैं। मैच काफी अच्छा होने जा रहा है इन दोनों के बीच। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा बड़ी मर्फी को, वो टाइटल यहाँ बचा लेंगे। नेक्स्ट मैच हमें मिक्स मैच चैलेंज सीजन 2 का फाइनल मैच दिखेगा, जो कि जिंदर महल अलीसिया फॉक्स वर्सेस आर्ट्रूथ कार्मेला के बीच होगा। दोनों टीम आपस में भिड़ेंगी और ये मैच भी किक ऑफ शो में होता हुआ दिख सकता है। चौंकाने वाली बात इस सीजन की ये रही कि तगड़ी तगड़ी टीम इस टूर्नामेंट में हार गई और ये दोनों टीम निकलकर सामने आई है। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा जिंदर महल और अलीसिया फॉक्स को, उनकी टीम जीतकर काफी कुछ हासिल कर सकती है। नेक्स्ट मैच हमें नटालिया वर्सेस रूबी राइट के बीच टेबल मैच दिखेगा। दोनों ही सुपरस्टार के बीच पिछले कुछ हफ्तों से फ्यूड का बीज बोया गया और रूबी राइट ने मौके देख देख कर अपनी टीम्स के साथ मिलकर नटालिया पर अटैक भी करा। नटालिया के अंदर भी काफी गुस्सा है क्योंकि छुप छुप कर उन पर अटैक किए गए, वहीं नटालिया को राइट स्क्वाड ने टेबल पर भी मारा था, इसी वजह से इनके बीच टेबल मैच दिखेगा। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा नटालिया को, राइट स्क्वाड पर भारी पड़ती हुई दिखेंगी हमें नटालिया। नेक्स्ट मैच हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच चेयर मैच दिखेगा। इन दोनों स्टार के बीच काफी अच्छी फ्यूड बिल्डअप हुई है और रैंडी ऑर्टन ने रे मिस्टीरियो का मास्क उतार के इस फ्यूड को काफी पर्सनल बना दिया है। मिस्टीरियो अभी भी फॉर्म में है और रैंडी ऑर्टन को वो भी नहीं बख्शेंगे। इनके मैच को चेयर मैच बनाया गया है और तबीयत से इस मैच में चेयर चलती हुई हमें दिखने वाली है। इस वीक की स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन पर रे मिस्टीरियो ने चेयर से अटैक करा था, उसका बदला वो इस मैच में जरूर लेंगे। बात करूं विनर की तो मैं यहां से प्रेडिक्ट करूंगा रे मिस्टीरियो को, लगता है कि रे मिस्टीरियो इस मैच में जीत जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें रोंडा रोजी वर्सेस नाया जैक्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। नाया जैक्स ने ये स्पॉट एवोल्यूशन PPV जीत के बुक करा है। मैच दोनों सुपरस्टार के बीच काफी अच्छा दिखने वाला है, वहीं नाया जैक्स काफी हैवी सुपरस्टार हैं, उससे निपट पाना रोंडा रोजी के लिए आसान नहीं होगा, बट रोंडा रोजी भी अच्छी खासी टक्कर देंगी नाया जैक्स को। बात करूं विनर की तो मैं यहां प्रेडिक्ट करूंगा रोंडा रोजी को, वो यहां अपना टाइटल बचा ले जाएंगी। नेक्स्ट मैच हमें बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। ये मैच TLC मैच होगा, मतलब साफ है कि इस मैच में जमकर टेबल, लैडर और चेयर चलने वाले हैं। तीनों ही सुपरस्टार स्मैकडाउन की बेहतरीन वुमेन्स हैं, वहीं शार्लेट का रूप हम सब सर्वाइवर सीरीज में देख ही चुके हैं और आस्का इस वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड में उनका रूप हमें दिखा। बेकी लिंच भी एक अलग ही रूप में दिखने वाली है इस मैच में, काफी अच्छा मैच होगा इन तीनों के बीच। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा बेकी लिंच को, वो जीत के यहाँ टाइटल बचा लेंगी। नेक्स्ट मैच हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बार वर्सेस न्यू डे वर्सेस उसोस के बीच दिखेगा। तीनों ही धांसू टैग टीम है पूरे WWE की, मैच में जान डाल देंगी, ये मैच होप सो अच्छा होगा। तीनों ही टीम स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन रह चुकी हैं और दो टीम टाइटल जीतने के लिए और एक बचाने के लिए इस मैच में भिड़ने वाली हैं। फ्यूड में तीनों टीम इन्वॉल्व हैं। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा बार को, वो यहां दोनों टीम को हराकर टाइटल बचा ले जाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें अलायस वर्सेस बॉबी लैशले के बीच दिखेगा। ये लैडर मैच होगा और गिटार मैच होगा। इसमें रिंग के बीचों बीच गिटार होगा, जो उसे लैडर पर चढ़कर उतार लेगा, वो उसे अपने अपोनेंट पर इस्तेमाल करेगा। वाकई ऐसा मैच अभी तक दिखा नहीं है, इससे मैच में काफी इंटरेस्ट तो बनेगा ही। दोनों सुपरस्टार के बीच अच्छी फ्यूड भी दिख रही है रॉ पे। अलायस का फेस टर्न हुआ और उनको लैशले जैसे हील के साथ फ्यूड में डाला गया। वहीं कहीं ना कहीं बॉबी लैशले के साथ कॉर्बिन और ड्रू मैकइंटायर भी सपोर्ट में है, तो काफी इंपॉर्टेंट मैच होगा ये दोनों के बीच। बात करूं विनर की तो मैं यहां से प्रेडिक्ट करूंगा अलायस को, वो यहां जीतकर बॉबी लैशले को हार का मजा चखाएंगे। नेक्स्ट मैच हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस फिन बैलर के बीच दिखेगा। वहीं TLC से पहले आखिरी रॉ में बैलर नहीं दिखाई दिए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। आई होप वो TLC तक सही हो जाएं। अगर नहीं हुए और TLC PPV में दिखे तो मैच ज्यादा लंबा नहीं होगा इन दोनों के बीच। दोनों के बीच फ्यूड काफी सही दिखाई जा रही है रॉ पर। ड्रू मैकइंटायर ने हमेशा बॉबी लैशले और कॉर्बिन को लेके बैलर पर अटैक करा। मैच काफी बढ़िया हो सकता है इन दोनों के बीच। बात
बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा ड्रू मैकइंटायर को। ड्रू मैकइंटायर का एग्रेशन उन्हें जीत दिलाएगा फिन बैलर के खिलाफ। नेक्स्ट मैच हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच दिखेगा। ये टीएलसी मैच होगा। इसमें बड़ी शर्त ये रखी गई है कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को जीतेंगे तो उन्हें रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर के खिलाफ यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच मिलेगा। अगर बैरन कॉर्बिन जीतते हैं तो उन्हें रॉ का परमानेंट जनरल मैनेजर बना दिया जाएगा। हारे तो जो काम वो संभाले हुए हैं वो सब छिन जाएंगे। मैच काफी सही होगा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। ब्रॉन स्ट्रोमैन को पूरा टाइम मिलेगा बैरन कॉर्बिन से बदला लेने का। मैच काफी अच्छा होने वाला है। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा ब्रॉन स्ट्रोमैन को। वो जीतेंगे और मार का बदला लेंगे बैरन कॉर्बिन से। नेक्स्ट मैच हमें डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए दिखेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये ना तो टीएलसी मैच है, ना चेयर है, ना लैडर है। आई होप मैच इन दोनों के बीच अच्छा होगा। 22 अक्टूबर से इन दोनों के बीच फ्यूड दिखाई जा रही है और डीन एम्ब्रोस अभी तक सेथ रॉलिंस पर मौका देख देख कर अटैक कर चुके हैं। सेथ रॉलिंस को मौका मिलेगा दो दो हाथ करने का डीन एम्ब्रोस से। बात करूं विनर की तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा डीन एम्ब्रोस को। वो यहां टाइटल जीत सकते हैं और फैंस को चौंका सकते हैं। नेक्स्ट मैच हमें डेनियल ब्रायन वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। फ्यूड इन दोनों के बीच काफी सही दिखाई जा रही है और चौंकाते हुए सभी को डेनियल ब्रायन ने सर्वाइवर सीरीज से पहले एजे स्टाइल्स से टाइटल जीत लिया था और एजे स्टाइल्स के काफी लंबे रन को खत्म कर दिया था। मैच काफी सही होगा इनमें कोई डाउट नहीं है। बात करूं विनर की तो मैं यहां प्रेडिक्ट करूंगा डेनियल ब्रायन को। एजे स्टाइल्स यहां टाइटल नहीं जीत पाएंगे। वहीं आपको बता दूं ब्रॉक लेसनर इस पीपीवी का हिस्सा नहीं होने वाले हैं तो यूनिवर्सल टाइटल तो दिखने ही नहीं वाला है। तो फ्रेंड ये थी सभी 12 मैचेस की रिजल्ट प्रेडिक्शन। आई होप रिजल्ट कुछ ऐसा ही दिखने वाला है टीएलसी पीपीवी में। बस पीपीवी फैंस की नजर में अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो। उम्मीद है लास्ट दो वीक जैसा रॉ की तरह नहीं होगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे टेबल लैडर चेयर मार्कर चैनल सब्सक्राइब करें। मगर प्यार से, थैंक यू।